बेटार पार। आज से ठीक डेढ़ घंटे बाद, अब से ठीक डेढ़ घंटे बाद अमेरिका में सबसे बड़ी मुलाकात होने वाली है, यानी मीटिंग होने वाली है, जब दुनिया के दो दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बैठक शुरू होगी। लेकिन इस बैठक से पहले ही आतंक के समर्थक पाकिस्तान को बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच मुलाकात हुई तो आतंकवाद का मुद्दा सामने आते ही कमला हैरिस ने जमकर पाकिस्तान को लताड़ लगाई और कहा कि पाकिस्तान को हर हाल में आतंकियों का साथ छोड़ना ही होगा। कमला हैरिस ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वॉशिंगटन डीसी में स्वागत करना उनके लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका के साथ का साथ आतंक परस्त मुल्कों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मोदी बाइडेन का साथ आतंक पर आघात। आज का आर पार इसी पर। प्रधानमंत्री मोदी के ग्लोबल विजन ने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है। ये तस्वीर आतंकी मुल्क पाकिस्तान को जरूर चुभ रही होगी। भारत और अमेरिका की दोस्ती चीन पर भी भारी पड़ रही है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करे, आपका स्वागत करे, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूँ। On behalf of the President and myself, we are honored to welcome you to this visit. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day. अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हर हाल में आतंकियों का साथ छोड़ना होगा। बड़ी बात यह है कि जैसे ही आतंकवाद का जिक्र आया, हैरिस ने खुद कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। In that context, when the issue of terrorism came up, the Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism. प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की। कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की संक्षिप्त परंतु बहुआयामी यात्रा पर हैं। विगत 7 वर्षों में चाहे दल बदले अथवा राष्ट्रपति, परंतु आपने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबंध अमेरिका की सरकार के साथ, सभी राष्ट्रपतियों के साथ उतनी ही प्रगाढ़ता का रहा है और भारत के संदर्भों में उतनी ही प्रबलता के साथ अपना पक्ष रखने का रहा है। पहले भी साक की बैठक में तालिबान को शामिल करने की मांग पर पाकिस्तान को जोर का झटका लग चुका है। यहां तक कि पाकिस्तान की मांग के विरोध में सार्क विदेश मंत्रियों की मीटिंग भी रद्द हो गई। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोदी और बाइडेन की मुलाकात आतंक परस्त मुल्कों के लिए खतरे की घंटी है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मोदी बाइडेन साथ आतंक पर आघात। और अब आतंकवाद पर ग्लोबल प्रहार का विश्लेषण। मैं एक एक करके आपके सामने तथ्य रखूंगा, बातें रखूंगा जो बड़े महत्वपूर्ण है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने खुद आतंकवाद का संज्ञान लिया, यानी सुओमोटो उस पर बात करी, यानी ये बड़ी बात है। कमला हैरिस ने पाकिस्तान को आतंक परस्ती के लिए खरी खोटी सुनाई, जैसा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे थे। तालिबान प्रेम पर सार्क देशों में भी अलग अलग थलग पाकिस्तान पड़ चुका है। चीन की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए क्वाड देशों के का चक्रव्यूह तैयार है और क्वाड से चीन काफी परेशान भी है। मोदी बाइडेन की मुलाकात
आतंक परस्तों के लिए, यानी वो मुल्क जो कि आतंक को परंपरागत ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं उनके लिए ये खतरे की घंटी है। एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा। एक नई सरकार है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कमला हैरिस और जो बाइडेन के नेतृत्व में। मेरे साथ बात करने के लिए आज इस चर्चा पर चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सुप्रिया श्रीनेत है कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता। सुशांत सेरीन मेरे साथ हैं, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शंकर प्रसाद साहब है जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं, मैं सुशांत सेरीन आप ही से इस डिबेट को ओपन करता हूं। हाउ इंपॉर्टेंट इज द मीटिंग, कितनी महत्वपूर्ण है ये मुलाकात, और क्या आपको लगता है कि कल जो मुलाकात हुई कमला हैरिस और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग देने का प्रयास हुआ है? यार, जो कल मीटिंग हुई है उसको तो मैं कोई बहुत ज्यादा अहम नहीं मान रहा, स्पेशली जो पाकिस्तान के ऊपर बयान आया। और उसका कारण एक बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो कुछ कल बोला गया वो सारी चीजें हम पहले सुन चुके हैं अमरीकियों द्वारा, पिछले 20 साल से सुन कर करके हमारे कान पक चुके हैं कि डू मोर डू मोर डू मोर, और आपको आतंकियों के ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे तो कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं हो रहा उस सिर्फ वो सुन करके। मैं जो सुनना चाहता हूं वो ये है कि अगर अमरीकी इसमें असली में संजीदा हैं तो व्हाट आर दे गोइंग टू डू अबाउट इट, इसके बारे में वो क्या करेंगे, उसमें जो एक्चुअल स्टेप्स वो उठाएंगे वो क्या है, क्या वो कोई प्रतिबंध लगाएंगे उनके ऊपर, या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे, या उनके खिलाफ कोई कूटनीतिक या राजनीतिक या आर्थिक तरीके के कोई कदम उठाएंगे, क्या आईएमएफ से उनके जो लोन्स हैं उनको रोका जाएगा, किस तरीके से उनको टाइट किया जाएगा, इस पर तो हमने आज तक कोई बात नहीं सुनी। इनफैक्ट हम जो सुन रहे हैं अमरीकियों द्वारा वो ये है कि भाई पाकिस्तान के साथ हमको मिल करके आतंकवाद को लड़ना है। अब ये भी एक अजीब सी बात है कि जौन सा देश सबसे ज्यादा आतंकवाद फैला रहा है और जिसके आतंकवाद के करके आपकी अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है, अगर आप उसके साथ मिल करके आतंकवाद के साथ लड़ेंगे तो पता नहीं आप कौन से आतंकवाद के साथ लड़ रहे होंगे। तो मुझे तो इस पे थोड़ी सी शक है। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि बाइडेन साहब के साथ जो मुलाकात है वो कितनी अहम होगी, मेरे ख्याल बहुत अहम होगी, क्योंकि मेरे ख्याल जो आगे का हमारा रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ जी जी। और जो इस खित्ते में जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं उसमें अमेरिका और भारत की किस तरीके की साझेदारी रहेगी, पार्टनरशिप रहेगी, मेरे ख्याल काफी हद तक इस मीटिंग के ऊपर निर्भर करेगा। सिर्फ इसी के ऊपर नहीं करेगा, लेकिन इसके ऊपर हमारे को एक दिशा निर्देशन जरूर होगा कि ये बातें किस दिशा में जा रही हैं। क्या जो क्वाड की बातें हो रही हैं वो महज एक बातें करने की दुकान बनी रहेगी और उसमें हम लोग मुलाकात करेंगे और वर्किंग ग्रुप बनाएंगे, या उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और उसमें कोई इस तरीके की चीज बनेगी जिससे हमको ऐसे लगे कि हाँ ये चार देश मिल करके चीन की जो दादागिरी है उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसके खिलाफ एक पुशबैक कर रहे हैं, ये सारी चीजें शायद उसकी एक्चुअल क्या होगा वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन वो किस दिशा में बात जा रही है वो शायद जो आज की मुलाकात होगी बाइडेन साहब के साथ और उसके बाद क्वाड में शायद वहां पर ये निर्धारित होगा। क्वाड की भी मीटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ शंकर प्रसाद जी हैं। शंकर प्रसाद जी, देखिए इस समय खासतौर पे भारत के लिए ये मुलाकात बहुत अहम है। हमारे पड़ोसी राज्य अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हमें दिख रहा है। चाइना जिस तरह से गत वर्षों के अंदर जो करता आया है वो हमारे समक्ष है। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? देखिए, मेरा व्यू बिल्कुल साफ है, बातचीत बहुत हो चुकी है। आतंकवाद की बातचीत आज से नहीं 1995-20 से चल रही है। भारत 20-25-30 साल से आतंकवाद का एक टारगेट बन चुका है, कितनी हम इसकी जहन कर चुके हैं। जो बात वाइस प्रेसिडेंट से हुई है उसको सुन के खुशी तो अवश्य हुई है, लेकिन जैसा अभी सुशांत जी कह रहे थे इसका नतीजा क्या होगा, मैं आपको 3-4 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आज ये बातचीत जो होने वाली है अमेरिका में, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे क्वाड हो, चाहे ऑकॉस हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें भारत के क्या मुद्दे रहेंगे, भारत का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि
कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, क्योंकि अभी तक टेररिज्म पाकिस्तान में चल रहा था, अब वो टेररिज्म बढ़ के अफगानिस्तान में चला गया। 30-40 उनके मिनिस्टर तालिबान के टेररिस्ट, घोषित टेररिस्ट हैं। अब वो एरिया दुगना तिगना हो गया जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिल के है। इट इज़ बिकम द बिगेस्ट थ्रेट। दूसरी बात, जो इस तरह से कोरोना के साथ चल रहा है, वैक्सीन की बात होगी, तीसरी बात क्लाइमेट चेंज की बात होगी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि समय इस समय वो आ गया है कि पानी सिर से ऊपर निकल रहा है। अगर इस सरकार ने नहीं किया, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल सरकार इतनी स्ट्रांग न कभी थी न कभी बनेगी। जो आज पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इंडिया की है, अगर यही पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कुछ रिजल्ट निकाल सकती है तो अब है। अगर इस टाइम को हमने खो दिया तो आगे होने वाला कुछ नहीं। इसी तरह से हम पिटते रहेंगे टेररिज्म से, और क्या होगा तो हमें मालूम नहीं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी बातचीत हो रही है, केवल बातचीत में ना समाप्त हो जाए। बड़ी अच्छी बातचीत हो गई, फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, वाइस प्रेसिडेंट से अच्छी बात हुई, हेड्स ऑफ स्टेट जापान से और ऑस्ट्रेलिया से बड़ी अच्छी बात हुई, बीडन साहब से बड़ी अच्छी बात हो गई, क्वाड की बड़ी अच्छी। इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो टॉकिंग शॉप है इसको बंद करना पड़ेगा। इसका नतीजा दिखना चाहिए अब, और यही सरकार है जो इसका नतीजा दिखा सकती है। मेरा मानना यह है कि इस समय इस विजिट के बाद में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से टेररिज्म हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसके बरखिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन भी इसको कह चुके हैं कि अफगानिस्तान से टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ चाइना एक ऐसा देश है जो कंटिन्यूसली सपोर्ट करता जा रहा है, और वो करता रहेगा क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट है वहाँ, और बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्वाड को भी इसमें बनना पड़ेगा, एंड वी हैव टू। लेकिन क्वाड ऐसा ना हो कि क्वाड सिर्फ और सिर्फ जो रस्म अदायगी रह जाए, जो कि सुशांत सरीन बात कह रहे थे। लेकिन सुप्रिया श्रीनित, कुछ देर बाद ये मुलाकातों की महत्वपूर्ण मुलाकात है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन अभी तक का जो प्रधानमंत्री का दौरा है उसको आप कैसे देखती हैं? सुप्रिया, धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। जब मोदी जी कहीं बाहर जाते हैं तो वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, और मैं आशा करती हूं कि उनका दौरा सक्सेसफुल रहेगा, उसकी शुभकामनाएं देती हूं। लेकिन मैं बिंदुवार तरीके से दो चार बातें जरूर करना चाहती हूं। यहां पर कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का नाम लिया, अब बात नाम लेने से ज्यादा करनी पड़ेगी, और ये अभी तक वॉशिंगटन ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग में कहा है कि उनका नाम लिया गया था, अच्छा किया गया अगर नाम लिया गया, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मुझे लगता है उनको कार्यवाही करनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूं कि बहुत ज्यादा हमने 9 ट्वीट सोशल मीडिया पर किए मोदी जी की मीटिंग जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ हुई, लेकिन मैं देख रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट ने अफ्रीकन प्रेसिडेंट से, नामीबिया के प्रेसिडेंट से मीटिंग करी, उसके बारे में ट्वीट किया, उन्होंने जो बाइडेन जी की मीटिंग के बारे में वीडियो ट्वीट किया, लेकिन दुनिया के सबसे सशक्त लोकतंत्र भारत के बारे में जब उनकी मीटिंग मोदी जी से हुई तो उसको क्यों नहीं ट्वीट किया गया? कहीं ना कहीं दिक्कत है, और मैं आपको बताती हूं वो दिक्कत क्या है। जो क्वाड था वो यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टनरशिप थी। 48 घंटे पहले यूएस ने ऑकस का अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके की पार्टनरशिप रहेगी। यूएस सबमरीन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को देगा, जो वो जापान और इंडिया को नहीं देगा। क्वाड को ऑलरेडी दोयम दर्जा दे दिया गया है। क्या मैं दो सवाल ही पूछना चाहती हूं, क्या वहां पर उस मीटिंग में भारत के अफगानिस्तान में सामरिक हितों पर चर्चा होगी? क्योंकि अमेरिका ने ऑकस बनाकर भी हमें दोयम दर्जा दिया, और जब 125 देशों की एक वक्तव्य इशू किया था उसमें भी हमें नहीं इंक्लूड किया गया था। कोई उसमें दोहराए नहीं है, लेकिन आपने बोला हर्षवर्धन श्रृंगला की तरफ से यह बोला गया कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सुओ मैटर खुद ही संज्ञान लिया, क्या आपको भारत के विदेश सचिव पर भरोसा नहीं है? नहीं, इसका मतलब आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, शायद आप एंकर होने के नाते किसी और चीज में व्यस्त हो गए थे। फिर से सुनिए मैं क्या कह रही हूं। मैंने क्या कहा कि भारत ने यह बोला, अच्छी बात है अगर अमेरिका ने पाकिस्तान का नाम लिया, लेकिन अब नाम लेने से क्या होगा? आप यहां पर अफगानिस्तान को तालिबान के हाथों पर, पाकिस्तान के इशारे पर, जो कि चीन के नाम पर इठलाता है, उनके हाथों में छोड़ के चले गए हैं।
हमारे हितों की आपने कहीं रक्षा नहीं करी है। सुप्रिया जी, मैं भी आपको दुरुस्त कर दूं, करेक्ट कर दूं, आपने कहा था कि भारत की तरफ से ऐसा कहा गया, अमेरिका की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया, ये आपने बोला था, एग्जैक्ट वर्ड्स आपकी यही थे। मैंने वही मेरी पूरी, हाँ तो मेरी पूरी बात सुन लिया करिए अमीश जी, आप बस मेरे बीच में बोलते हैं और किसी के बीच में नहीं बोलते। चलिए, आपको लगभग पहले पौने दो मिनट दिए बोलने के लिए, आप अपनी 40 सेकंड में बात रखते हैं सुधांशु जी। जी हाँ हाँ, मैं 30 सेकंड में रख दूंगी। भारत ने ये कहा, अच्छी बात है। मैं ये कह रही हूं कि विश्व स्तर पे हमें वो वजूद क्यों नहीं दिया जा रहा है। कमला हैरिस जी ने अफ्रीका और इंग्लैंड की मीटिंग्स के बारे में सोशल मीडिया पर डाला, हमारी मीटिंग के बारे में क्यों नहीं डाला? हमें अफगानिस्तान की बातों से क्यों दरकिनार करके रखा गया था? 2019 में हम गए थे, हमने वहां पर हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार किया था। आज देखिए किस तरह के लोग वहां पर मोदी जी से मिल रहे हैं, टॉप नॉच सीईओस भी नहीं मिल रहे हैं। जिन लोगों से वो मिलकर आए थे उन्होंने एक ढेले का पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, पेट्रोनेट ने 2.5 लाख करोड़ उठा दिया, हम तो पेट्रोनेट को ही बेच रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब थोड़ा सुर्खियों से निकल के भारत के सामरिक हितों की बात हर मंच पर हर वक्तव्य में करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका ने ऑकस बनाकर क्वाड को दोयम दर्जा देने का काम किया है। ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा सक्सेसफुल होगा, उसमें बड़ा आपको संशय है। ठीक है, ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब, जवाब सुधांशु त्रिवेदी, जवाब एक एक पॉइंट का जवाब सुधांशु त्रिवेदी। बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। देखिए जो बात सुप्रिया जी कह रही हैं, अरे भाई हर कोई भी बड़ा देश अपने अलग अलग कारणों से अलग अलग सामरिक गठबंधन बनाता है। सारे सामरिक गठबंधन एक ही प्रकार के नहीं होते। अगर आपकी बात हम माने तो जिस जमाने में अमेरिका ने 1949 में नेटो बनाया था, 55 में सेंटो बनाया था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 56 में सीटो बनाया था, साउथ ईस्ट ट्रीटी, और उस समय भारत कहीं नहीं था, तो क्या चौथे पांचवें दर्जे पर कर दिया था क्या? सब अपने अपने अलग तरीके से बनते हैं। उन्होंने जिस भी कारण से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ किया है वो एक प्रकार के देश है, एक प्रकार से अगर आप देखें तो वो एक दूसरे का एक्सटेंशन है वो देश। और यहां क्वैड में सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान नहीं रहता, जब तक आपकी दौरे हुकूमत थी जिस इलाके को क्वैड कहते हैं उसको कहा जाता था एशिया पैसिफिक, आज कहा जाता है इंडो पैसिफिक, और अमेरिका ने भी अपनी कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया है। यह अपने आप में भारत के बढ़ते हुए क्षेत्रीय वर्चस्व का प्रतीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई उनको यह भी याद रखना चाहिए सुप्रिया जी को कि क्वाड की अवधारणा कब आई थी, मनमोहन सिंह के जमाने में 2007 में यह कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। तो ऐसा नहीं कि यह कोई हमारा ही विचार था, यह तो बाइपार्टिसन होना चाहिए। जैसे आप अमेरिका में देखिए रिपब्लिकन राष्ट्रपति हो या डेमोक्रेट राष्ट्रपति हो, आतंकवाद को लेकर और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उनकी नीति में किंतु परंतु नहीं होता है। सिर्फ हमारे यहां इस प्रकार की राजनीति की बात आती है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि कमला हैरिस जी की तरफ से ट्वीट्स नहीं हुए, हमारी तरफ से ट्वीट्स हुए। वैसे खैर कांग्रेस को आजकल ट्वीट और ट्वीट का ज्यादा वो रहता है, परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं कमला हैरिस जी से मुलाकात जो प्रधानमंत्री जी की हुई वो इस कारण से भी अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की है, और जो अमेरिका को अपना रणनीतिक जो जवाब देना होगा तो जब भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति से होगी तब देनी होगी। अब तीसरी बात मैं उत्तर देता हूं, आपने कहा कि बात से आगे बढ़कर उनकी तरफ से आना चाहिए, तो जनाब आपके जमाने में तो ऐसी ऐसी बातें आती थी जिनका कि जवाब दिया जाए तो हालत खराब हो जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 2010 में भारत आए थे और उन्होंने 2012 में अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा इनडायरेक्टली मनमोहन सिंह जी को कोट करते हुए कि 26/11 के बाद यूपीए की सरकार ने इसलिए पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई नहीं की क्योंकि उससे बीजेपी को राजनीतिक लाभ हो सकता था। अब इतनी बड़ी बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपके बारे में कह दी है और आपकी पार्टी ने आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। अरे माना है मुकदमा कर देना चाहिए भाई बराक ओबामा जी के ऊपर। जवाब सुप्रिया जी। अमीश जी जब कोई और बोलता है तो शिकायत थोड़ी कर रही हूँ आपसे, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, किसी के बीच में नहीं बोलते, बस जब मैं बोलना शुरू करती तो आप बोलने लगते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आशा करते हैं अब नहीं बोलिएगा। सुधांशु जी आपने बिल्कुल एक बात सही कही कि इस पर पूरी तरह से बाइपार्टिजन व्यू होना चाहिए, और उसी बाइपार्टिजन व्यू के नाते ही मैं बोल रही हूं कि क्वाड को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। फर्स्ट एवर पर्सन में क्वाड की मीटिंग के 48 घंटे पहले अमेरिका एक ऑकस बना देता है और ऑकस बनाने में ये पूरी तरह से उसमें साफ तरह से अंकित है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो ऑस्ट्रेलिया को होगा वो इंडिया और जापान को नहीं होगा। इस दोयम दर्जे की ना तो भाजपा को मुलाफत करनी चाहिए ना मुझे इसकी पैरवी करनी चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल बाइपार्टिजन हूं, मैं इसमें भी बाइपार्टिजन हूं कि हमारे फेयर वेदर फ्रेंड रशिया ने जब ट्रॉयका प्लस बनाया
और हमें आमंत्रित करना चाहा तो चीन ने उस पर आपत्ति करी, अमेरिका ने उनका सहयोग किया, हमें आमंत्रित नहीं किया गया, इस पर भी हम इंडिया को आपत्ति दर्ज करनी होगी। इंडिया को यह भी आपत्ति दर्ज करनी होगी कि 15 अगस्त 2021 को 125 देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने एक वक्तव्य इशू किया तालिबान पर, उसमें हमें इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा। भारत को यह भी बात करनी होगी कि 275 लाख करोड़ की, 3.25 लाख करोड़ की अफीम मिलती है जो अफगानिस्तान से आ रही है, जो उनके बजट का आधा हिस्सा है, हमारी नस्ल बर्बाद कर सकती है, इस पर अमेरिका क्या बोलेगा? आप सिर्फ पाकिस्तान की छोटी सी बात करके चुप हो जाइएगा या इस पर चर्चा करिएगा? और सुप्रिया एक सवाल मेरा आपसे, फिर मैं सुधांशु आपको बता रहा हूँ। सुप्रिया आप ये कहना चाह रही, वो सिर्फ मेरा नहीं, नहीं एक मिनट, नहीं अब आपने बोला, पूरे 2 मिनट बोला आपने सुप्रिया जी, आपने बोला, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। देखिए मंत्रमुग्ध होते हो, बिल्कुल मैं आपकी बात को पूरा सुना, देखिए सुप्रिया जी देखिए एक सेकंड, सवाल आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही को बोल रहा है। आप कह रही है कि हमारी विदेश नीति जो है वो लचर है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, ये आप कह रही है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरी बात पकड़ ली, बड़े इंटेलिजेंट हैं आप। मैं बिल्कुल ये कह रही हूं कि विदेश नीति को फोटो अपॉर्चुनिटी बनाने का जो काम पिछले 7.5 साल में किया गया है, उसका ये नतीजा है कि जिस टेबल पर भारत के बिना डिसीजन नहीं होते थे, उस टेबल पर हमें इनवाइट ही नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे, 2 सेकंड का टाइम दीजिए। जी जी जी, 20 सेकंड। 17 सीईओ से, एनर्जी सीईओ से मोदी जी मिले थे 2019 में, 17 सीईओ से मिले थे। उस एक भी सीईओ ने भारत में एक भेले का यहां पर निवेश नहीं किया, लेकिन हमारी कंपनी पेट्रोनेट ने 2.5 लाख करोड़ का निवेश किया। अब तो खैर हम पेट्रोनेट को भेज रहे हैं। मोदी जी ने जाके हाउडी मोदी किया था टेक्सस में, याद है आपको, आपकी बार ट्रंप सरकार, उसका नतीजा हम आज तक झेल रहे हैं। 2017 में हम ड्रोन पर चर्चा कराए थे, हमारे यहां ड्रोन अटैक हो रहे हैं, हमारी नीति अब बन रही है। तो दिक्कत की बात यह है कि हम महाबल्लीपुरम में चाहे शहनाई सुने, चाहे साबरमती में झूले, ठीक है, कूटनीति या विदेश नीति, इन सबसे थोड़ी जी 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 सुधांशु सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर मैं दोनों एक्सपर्ट्स के साथ पास भी जा रहा हूं, सुधांशु मेक योर पॉइंट, और ध्यान रहे कि मेरे साथ बाकी भी एक्सपर्ट का पैनल है। सुधांशु के साथ बोल देता हूं, सुप्रिया जी की पार्टी के साथ समस्या यह है कि इनकी आंखों पर जो फोटो चढ़ी है उसके बियॉन्ड वो देखना ही नहीं चाहते। ये कह रहे हैं धेले भर का भारत को फायदा नहीं हुआ, आज भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $642 बिलियन से अधिक है। ये धेला भर नहीं नजर आ रहा है क्या आपको? और मैं यथार्थ भी बता देना चाहता हूं, 1980 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7 बिलियन से अधिक था और चाइना का 2.7 था, और 1991 में हम 1 बिलियन से नीचे आ गए थे क्योंकि 10 साल इंदिरा जी और राजीव जी की सरकार रही थी, और फिर वो 100 बिलियन हुआ अटल जी के जमाने में, 500 बिलियन हुआ मोदी जी के जमाने में। अब इनको धेला नजर नहीं आता, तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात, जहां तक विदेश के लिए इन्होंने कहा दृश्य फोटो अपॉर्चुनिटी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं वो फोटो अपॉर्चुनिटी आप भूल गए, 2008 इंडो यूएस न्यूक्लियर डील इसी अमेरिका के साथ, जब पैसे देकर संसद में पास कराई जा रही थी और संसद में वो दृश्य लोगों ने देखा था, पैसे लेके लोग खड़े हुए थे और मनमोहन सिंह जी जिनको कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता था, मजबूती उन्होंने एक ही समय में दिखाई थी इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पे, और उसके बाद भी उसमें न्यूक्लियर लाइबिलिटी का क्लॉज ये नहीं डलवा पाए थे, यानी कोई डिजास्टर हो जाता तो अमरीका का कोई जिम्मेदारी नहीं होती उस कंपनी की। वो जब बैरक ओबामा भारत आए 2015 में, तब वो न्यूक्लियर लाइबिलिटी के क्लॉज के ऊपर हमने सेटलमेंट कराया। तो जो फैक्ट है ये आज के जमाने में सुप्रिया जी कोई भी जाकर नेट पे चेक कर सकता, मैंने तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एग्जैक्ट डाटा बता दिया। अब आपको उसमें धेला नजर नहीं आता तो आपकी नजरें जैसी जी, वैसा नजर आ। सुधांशु जी चल बोल, सुप्रिया 30 सेकंड, देन सुशांत सिरीन जी। आप बहुत ज्ञानी हैं जी, हाँ सुधांशु जी आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन इकोनॉमी में मैं शायद थोड़ा सा आपसे ज्यादा समझती हूँ क्योंकि 20-25 साल यही किया है। इकोनॉमी का आपको एक फिगर बता देती हूँ, आप फॉरेन बिलियन डॉलर्स मत देखिए क्योंकि 500 बिलियन डॉलर तो जब यूपीए की सरकार जा रही थी तभी हो गए थे। आपको मैं एक फिगर बताती हूँ, शायद आपको इस देश को इसका जवाब देना पड़ेगा। चीन ने हमारे यहां आक्रमण किया, आपने चीन की ऐप बैन कर दी, लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम देखिए आपने कैसे किया। आपने चीन की ऐप तो बैन करी, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा। और आप एक चीज जानना चाहते हैं सुधांशु जी, इस साल के पहले 5 महीने में, जिसमें बड़ा लॉकडाउन भी था, इस साल के पहले 5 महीने में 70% वृद्धि हुई चीन से इंपोर्ट इंडिया आने में।
तो आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना कि आप लोग बात आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लाल आंखें दिखाने की बात विपक्ष में करते थे, जब आए चीन ने हमारे यहां आके घुसपैठ भी करी, आपने कहा हम ऐप बैन कर देंगे, लोगों ने अपने फोन भी जला दिए, लेकिन साहब ने चीन के साथ केमिस्ट्री दिखाते हुए चीन को अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना लिया। पहली जी 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 सुप्रिया, आप आपने बात को रखा, सुशांत सिरीन की बात, सुशांत सिरीन आपके बाद में आऊंगा, मैं सुशांत सिरीन का रुख कर रहा हूं, बिलियन डॉलर का हुआ जी जी जी, सुशांत सिरीन मैं आपके आपके पास अभी आ रहा हूं, 7.48 जी जी सुप्रिया जी, आपके वक्तव्य को सुना गया। सुशांत सिरीन, ये बड़ी स्टेटमेंट है कि सात साल से जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो बहुत लचर है, बहुत कमजोर है, लास्ट 7 ईयर्स। यार अब इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, मतलब कि ये आपस में राजनीति करना चाहते हैं, वो करते रहे, बट मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल आपका सरोकार नहीं है, लेकिन कई चीजों में तो क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज्यादा खामियां हैं, एज अ एक्सपर्ट आई एम आस्किंग यू। नहीं देखिए, चुनौतियां बढ़ गई हैं और उन चुनौतियों को हमने ठीक तरीके से मेरे ख्याल मिला, हमने उसको मीट भी किया उन चुनौतियों को। देखिए फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के साथ आप नीति देखिए कि पहले आपने वहां पर लचक दिखाई, आपने कोशिश की और फिर आप समझ गए कि भाई वहां पर कुछ नहीं होगा, तो फिर जो आपने कदम उठाने थे उनके खिलाफ आपने उठाने शुरू किए और उससे आप पीछे नहीं हटे अभी तक। अफगानिस्तान में आपके पास वो लेवरेजेस थी ही नहीं, आप वहां पर जरूर निवेश कर रहे थे लेकिन आपके हाथ कमजोर थे क्योंकि आपके पास वहां पर रसाई का कोई तरीका नहीं है, तो आप ऑब्वियसली अभी आप बाहर हैं, लेकिन आपने अभी भी वहां पर अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं दूसरे देशों के साथ मिलकर के। अमेरिका के साथ आपने रिश्तों को बहुत बेहतर किया है, देखिए थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो चलते रहेगा, लेकिन अगर आप ये बोले कि भाई रूस ने हमारे साथ ये कर दिया, भाई रूस ने तो 1962 में भी हमारे पीट में छोरा घोपा था जब हमको रूस की जरूरत थी और रूस चीन के साथ खड़ा हुआ था और हम भागे भागे अमरीका के पास गए थे, तो रूस ने अभी भी अफगानिस्तान के केस में तो रूस अपना खेल खेल रहा था, उसने कौन सा हमार को अपने साथ लेकर के चला था रूस, और अभी भी उनके वो जो जमीर काबुलोव है वो तो भारत को उन्होंने, और सुप्रिया जी इसमें गलत बोल रही है कि रूस हमार को लेकर के आना चाहता था, रूस ने बिल्कुल इनफैक्ट उनका जो विशेष दूत है काबुलोव उसने तो कहा था कि भारत तो तालिबान के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो इनको यहां पर इसमें आने की जरूरत नहीं है। तो आप जो फैक्ट्स अगर आप बोल रही हैं तो ठीक फैक्ट्स बोलिए, रूस ने आपको वहां पर अलग थलग किया था, अमेरिका ने नहीं किया था, तो बिल्कुल अगर ओवरऑल देखा जाए तो विदेश नीति ठीक ही चल रही है, उसमें वैक्सीन का भी रोल रहा है, उसमें और चीजों का भी रोल रहा है, तो मेरे ख्याल ये एक सिरे से खारिज, कुछ अप्स एंड डाउन भी हुए हैं, जरूर हुए हैं, हर सरकार में होते हैं, लेकिन आप बोलते रहे कि भाई मैं बाईपार्टिसन रहना चाहती हूँ, लेकिन फिर आप सारी की सारी बातें जो करें वो एक पार्टिसनशिप से करें तो वो मतलब कि आपकी मर्जी है, आप राजनेता है, लेकिन एक मिक्स बैग होता है जैसे हर सरकार का होता है। सुप्रिया श्रीनेत, बतौर कांग्रेस की प्रवक्ता आप गलत ही क्यों देखना चाहती है, बुरा ही क्यों देखना चाहती है, अच्छा क्यों नहीं देखना चाहती, एंड रिस्पॉन्ड आप सुशांत सिरीन की बात को क्या जवाब देंगी सुप्रिया जी? मैं यूजुअली एक्सपर्ट से नहीं उलझती हूँ, मुझे लगता है उलझने का काम हमें अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी से करना चाहिए, बट क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लेके कहा मैं कुछ तथ्य जरूर रखना चाहती हूँ। आपने कहा हम गलत देखना चाहते हैं, जी नहीं, 7 जुलाई 2021 को पार्लियामेंट की स्थायी समिति, रक्षा की स्थायी समिति के सामने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी ने कहा था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और चाइना का एक एक्सिस बन रहा है, ये दिक्कत तलब बात है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जो भाजपा के अध्यक्ष उन्होंने मना कर दिया, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ और एक महीने बाद यह समस्या इतनी बड़ी बढ़ के उभरी कि हमें दरकिनार किया। सुशांत सरीन जी ने तो मेरी बात को और पुख्ता किया है, अगर वो कहते हैं कि रशिया हमें इनवाइट नहीं कर रहा था तो ना यूएस हमसे सवाल रखना चाहता था, ना रशिया हमें इनवाइट कर रहा था, चीन तो हमारे साथ दुष्टता करता ही है, तो हम तो पूरी तरह से अपने एलाइज से फिसक के दूर हो गए। और आपको एक और बात बता दूं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सारे प्रधानमंत्रियों ने चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो हमेशा से अपनाई है। अब देख लीजिए हमारे नेबरहुड का क्या हाल है, पाकिस्तान तो खैर हमारा सगा कभी ना था ना रहेगा, चीन हमारे साथ क्या कर रहा है ये सर्वविदित है, और पाकिस्तान को इतनी धृष्टता कहां से आई है, चीन के इशारे पर आ रही है। हमने तो बांग्लादेश से भी दुश्मनी कर डाली, उन्होंने चीन को इजाजत दे दी कॉक्स बाजार में सबमरीन बेस बनाने की। नेपाल हमारे साथ ऐसी धृष्टता करता कि हमारा मैप उल्टा बना के हमारे ही
भूमि में आकर हवाई अड्डे बनाने की कोशिश करता है। और जिस ट्विटर की बात अभी करी जा रही थी सुधांशु जी, ये मेरा नहीं कहना है, मोदी जी का ट्विटर मैं कोट कर रही हूँ, हमारे प्रधानमंत्री उनको मैं भी फॉलो करती हूँ, जब वो बाहर जाते हैं मेरे अंदर भी उत्सुकता रहती है क्या हो रहा है। ठीक है जी 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 जी, सुप्रिया सुप्रिया सुप्रिया, संक्षिप्त में अपनी बात को रखिए, ढाई मिनट के जवाब मुझे नहीं लगता कि मेरे को बाकी भी पैनलिस्ट को लेना है। नहीं देखिए, मेरे को बाकी भी पैनलिस्ट को लेना है, शंकर प्रसाद को भी मुझे लेना है, सुशांत सिंह आप अपनी, क्योंकि आपका नाम लिया गया, आप अपनी बात को कोट कर दीजिए, 10 सेकंड बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए सुप्रिया जी, मैं 10 सेकंड बोलना चाहती हूँ, ये गलत बात है आपकी। अरे बिल्कुल, आपको सबसे ज्यादा वक्त मिला मैडम अभी तक, ये मैंने तो ये मैंने तो नोटिस ही नहीं किया था, ये तो भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बात कही है कि कमला हैरिस जी ने ट्वीट नहीं किया, हम लोगों ने तो ये नोटिस ही नहीं किया था, ये तो भाजपा की तरफ से बात थीक, आ रही थीक, है थीक, इनकी पार्टी में इस बात की नाराजगी है। सुधांशु सुधांशु उस बात का जवाब दे देंगे, लेकिन सुशांत सिंह जी 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 सुशांत जी, मैंने क्या बोलना है यार, इनकी मर्जी है जो मर्जी। देखिए अब पहले इन्होंने एक गलत वो बात की कि रूस ने हमारे, रूस तो चाहता था कि हम अंदर आए, मैंने उसकी उस पर इनको ठीक किया था कि ऐसी बात नहीं थी, वो गलत बयान। सुशांत जी आप तो यही कह रहे हो, अमेरिका को अमेरिका की कोशिश कर रहे हैं आप। अब आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोलिए। सुशांत जी बोलिए, सरीन साहब बोलिए, सुशांत सरीन आपको आवाज मिल रही है मेरी? मुझे तो मिल रही है आपकी आवाज, प्लीज मेक योर पॉइंट। सुशांत जी आप अपनी बात को रखिए प्लीज। नहीं अमीश, आप मुझसे बोल रहे हैं? जी 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 जी, आपकी आवाज रही है, मेरे को आवाज नहीं आ रही, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। अब आपको मेरी आवाज मिल रही है सुशांत जी? नहीं देखिए, मैं सिर्फ अमीश इतना कह रहा था कि मैंने तो एक चीज पर इनको ठीक किया था कि जो ये कह रही थी कि रूस चाहता था, और वो एक्चुअली रूस नहीं चाहता, रूस हमारे को बाहर रख रहा था। देखिए कुछ वास्तविकताएं होती हैं, अगर आप उस पर भी राजनीति करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। मेरा पॉइंट ये है कि 2000 के दशक में ही अमेरिका ने पूरी तरीके से अफगान नहीं होने दिया, तो हमारी बहुत कम लेवरेजेस थी अफगानिस्तान में। हम जरूर वहां पर सहयोग कर रहे थे अफगानों का, और उनके वहां पर डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा सिक्योरिटी के डोमेन में हमारा कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था। और उसके बाद जब हमारे को वहां से बाहर रखा गया तो हमारे को बाहर रखा गया। अब आप उसमें जो मर्जी बोलते रहे कि जी वो मोदी जी की गलती थी, उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह भी तो वहां पर यही काम कर रहे थे, उन्होंने कौन से वहां पर झंडे गाड़ दिए थे अफगानिस्तान में जाकर के। तो अफगानिस्तान हमारे लिए एक चैलेंज है, रहेगा, आगे चलकर भी होगा, और आगे चल के हमारे को देखना पड़ेगा कि हमारे को क्या नीतियां बनानी है। बाकी आप इस तरीके की बात करना चाहती हैं तो आपकी मर्जी है, मैं तो उस चक्कर में नहीं पड़ता जी। मैं सुप्रिया आपको मौका दूंगा, लेकिन शंकर प्रसाद भी है, सुधांशु भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं आपको मौका दूंगा। शंकर प्रसाद अमीश मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे जाना है। जी 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 शंकर प्रसाद मैं आपका रुख करता हूं और आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि बार बार ये इस बात की बात हो रही है कि सामरिक रिश्ते हमारे जो है वो ठीक है, लेकिन हमको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। हमारी जो विदेश नीति है उसमें एक लचरता है, उसमें एक कमजोरी है, हेडलाइन मैनेजमेंट होता है। व्हाट इज योर व्यू शंकर प्रसाद जी? देखिए मैंने शुरू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, मेरे धन्यवाद आपने मुझे बुलाया 30 मिनट के बाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शुरू में ये कहा था कि जितनी स्ट्रांग सरकार आज भारत में है, ना पहले कभी थी ना कभी होगी, जो आज है उससे ज़्यादा स्ट्रांग सरकार नहीं बन सकती। दूसरा पॉइंट जो अभी बीच में डिबेट हो रही थी उसमें ये उठा कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ स्ट्रांग हुई है कि नहीं। देखिए आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर्स में गिने जा रहे हैं, कोई तो कहता है वर्ल्ड के नंबर वन लीडर हैं, लेकिन भारत वन है या नहीं है वो तो किसी ने जजमेंट की होगी, लेकिन डेफिनेटली ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर इन द वर्ल्ड, रिस्पेक्टेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो ये जो बातें हो रही हैं ये इसी समय हो सकती है। दूसरी बात समझने की ये है कि डिप्लोमेसी की भी जगह होती है,
डिप्लोमेसी का माने ये नहीं होता कि सिर्फ बातचीत करें, डिप्लोमेसी का माने होता है कि आप लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करें, जिससे जब क्रिटिकल मोमेंट्स आएँ तो उसको आप इनकैश कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये समय अब आ गया है, वी हैव टू इनकैश द डिप्लोमेटिक विक्ट्री दैट वी हैव अचीव सो फार। हमारी विक्ट्री जो हुई है, चाहे रशिया का भी आपने देखा ब्रिक्स में क्या स्टेटमेंट दिया था पुतिन साहब ने, Nobody else criticized terrorism as much as Putin साहब ने। Putin साहब ने बिल्कुल सही कहा कि terrorism is a greatest enemy coming from Afghanistan। ये और किसी ने नहीं कहा, उसके अलावा अब सिर्फ चाइना के अलावा और कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस दिख रही है मुझे। अब जिस तरह से कोविड की बात आती है, कोरोना वायरस की बात है, उसमें भी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो सबको इम्प्रेस कर रही है। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने कल या परसों में वहाँ अमेरिकन CEO से बात की, इंडस्ट्री से, उस पर भी नज़र आ रहा है कि आत्म भारत निर्भर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर आप देखें, और कई एक और चीज़ें हैं जिससे ये नज़र आ रहा है कि हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग इम्प्रूव हुई है। लेकिन ये बार बार आता है शंकर प्रसाद साहब, बार बार आता है कि चाइना के आगे हम कमजोर पड़ गए। बिल्कुल मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि चाइना के आगे हम कमजोर पड़ गए, बार बार आता है, वो क्या है? लेकिन खत्म तो करने दो बात यार। जी जी, अरे हम कांग्रेस बीजेपी के नहीं, हमें मत टोकिए बीच में। अगर हमें बात करनी है तो पूरी बात करने दीजिए, हम ना पॉलिटिशियन है, या तो हमें बुलाया मत करिए। आप पॉलिटिशियन को लड़ते रहिए, हमें क्यों बुलाते हैं फिर बेकार में, अगर सुननी नहीं हमारी बात। अच्छा, बात को रखिए, हर एक बात में तो टांगा डाल देते हैं आप। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस समय आप एक तो चेन ऑफ थॉट तोड़ देते हैं ना, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आर्गूमेंट को बढ़ा रहा हूं, आपने आर्गूमेंट को बीच में रोक दिया। दिस इज नो वे टू कंडक्ट ए प्रोफेशनल डिबेट। एनीवे द पॉइंट ये मैं कह रहा हूं कि इस समय जो मुसीबतें वर्ल्ड के सामने हैं, उसको केवल हम ही, उसको हमारी सरकार उसको सॉल्व कर सकती है। टेररिज्म जो है, इंटरनेशनल ट्रेड की जो बातें हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जो बातें हैं, इंडियन ओशन को सिक्योर करने की जो बातें हैं, क्वाड को और इफेक्टिव बनाने की जो बातें हैं, अगर इस समय इतनी हाई पोजिशन जो वर्ल्ड पेडेस्टल में हमें मिली है, उसको अगर हम इनकैश नहीं करेंगे अभी, तो इस हाई पावर का कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये एंड में ये कहूँगा संक्षिप्त में कि वी हैव टू मेक श्योर क्वाड इज मोर इफेक्टिव। यानी कि इफेक्टिव का माने वो कुछ करके दिखाए एज अ डेटरेंट टूवर्ड्स एनी मिलिट्री एक्शन एनीवेयर। तो हम ये नहीं चाहते कि लड़ाई करे क्वाड मिलके किसी और के संग, लेकिन हम ये अवश्य चाहते हैं कि इस तरह से डेटरेंट दिखाई दे सबको, जिस तरह से हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिससे दुनिया को थोड़ा पता लगे। हम ये चाहते हैं कि जो टेररिज्म के बरखिलाफ और वो शंकर जी, ये टेररिज्म को समाप्त करने के लिए कुछ करेंगे, हम सैंक्शन लगाएंगे, हम इनके ऊपर FATF में ब्लैक में डालेंगे इनको, वो सब बातें अगर सामने आएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। शंकर प्रसाद जी, अगर ये सब बातें हो गई, इतनी हाई डिप्लोमेटिक चेयर पे हम पहुंच गए और फिर उसका कुछ नतीजा नहीं निकला, तो क्या फायदा है? पॉइंट है आपकी बात के अंदर। सुधांशु, आप भी काफी देर से अपना हाथ खड़ा करें। सुधांशु, व्हाट यू हैव टू से, कुछ देर बाद ये मुलाकात होगी, लेकिन जिस तरह से ऑपोजिशन निश्चित तौर पर इस मुलाकात को देखेगा, और अभी आपने सुप्रिया जी को भी सुना, आपने सुशांत सरीन जी को भी सुना और शंकर प्रसाद साहब को भी सुना, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उम्मीद बड़ी लगाई जा रही है, क्या वो एक प्रेशर हो जाता है चीजों को डिलीवर करने का? देखिए, पिछले 7-8 वर्षों में, 2014 के बाद से जब से हमारी सरकार आई है, विदेश नीति और कूटनीति को एक नया आयाम दिया है मोदी। इससे पहले जो भी हमारी नीतियां थी वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इश्यूज पर केंद्रित रहती थी, परंतु हमने उसको कल्चरल और इंडियन डायस्पोरा यानी सांस्कृतिक राजनीति कूटनीति और भारत वंशियों के साथ जोड़ा, उस पर भी विस्तार में वो एक अलग विषय है उस पर जाने के लिए। सुप्रिया जी ने जो बोला था, मैं कुछ एक दो तथ्य रख देना चाहता हूं। सुप्रिया जी, जिस रक्षा संबंधी समिति की बैठक की आपने चर्चा किया है, उस समिति की बैठक में एजेंडा क्या था? एजेंडा था कैंटोनमेंट बोर्ड, और अधिकारी बुलाए गए थे कैंटोनमेंट बोर्ड के, और राहुल गांधी जी आके अफगानिस्तान पे बात करने लगे। और अगर आपको इतना भी उनको समझ नहीं है कि अफगानिस्तान का विषय विदेश संबंधी समिति का है कि रक्षा संबंधी समिति का है, और यदि चेयरमैन ने यह कहा कि साहब कमेटियों में संसद की तरह कोई शून्यकाल नहीं होता है कि आउट ऑफ एजेंडा आप अचानक करके रखते हैं। तीसरी बात, जब एजेंडा तय हो रहा था ना, तो राहुल गांधी जी थे ना कांग्रेस का कोई सांसद था, उन्होंने कहा साहब एजेंडा जिस मीटिंग में तय हुआ था उसमें आपके लोगों ने ये बात नहीं कही, और आगे आप चाहते हैं तो एजेंडा में इसको इंक्लूड करवा दीजिए। और अगली बात ये बता दें कि राहुल गांधी जी ने कितनी मीटिंग अटेंड की,
पहले एक साल तक एक भी मीटिंग नहीं अटेंड की। जब आलोचना शुरू हुई कि चीन पे ट्वीट हो रहे हैं मगर रक्षा संबंधी समितियों से वो नदारद हैं, तब तो उन्होंने मीटिंग में आने की शुरुआत की। खैर वो एक अलग पक्ष है, इसलिए मैंने सिर्फ इसलिए याद दिलाया। दूसरा, आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रूस हमारा फेयर वेदर फ्रेंड होता था, उसके साथ ये हुआ। पहले तो सुशांत सरीन जी ने जवाब दिया, तालिबान संबंधी किसी भी स्टेटमेंट के हम हिस्सा होना चाहते थे नहीं, हमने तय किया था। और रूस के संदर्भ में अब तो पुरानी बातें सब अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में कि वो हमारे फेयर वेदर फ्रेंड थे या हम उसके आगे नतमस्तक थे। मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट टू पढ़ लीजिए, इंदिरा जी की सरकार किस तरीके से नतमस्तक थी और कई कई मामलों पे तो सरकार के कुछ हिस्से बिके हुए थे, उसने प्रूफ के साथ लिखा है। केजीबी की एक्स चीफ यब लग्ना अल्बर्टस ने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट में जो लिखा है, सोनिया जी तक के बारे में पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। यूरी बेजनेव जो कि रूस का जासूस था, भारत में पत्रकार बन के रहता था, उसने लिखा है कि रूस का कहां कहां इन्वॉल्वमेंट था। उसने तो कांग्रेस पार्टी को केजीबी से पैसा देने की बात कही है। इसलिए जिसको आपने कहा कि आपकी कूटनीतिक सफलता थी वो पूरी तरीके से साष्टांग दंडवत था, क्या था वो पूरे देश को अब पता है। अब हम आज की बात पे आते हैं। अगर आज हम ये बात, जब से हमारी सरकार आई, आपने चीन को लेकर कहा, एक लाइन ही सिर्फ बोल देता हूं, आज बताइए जब भारत और चीन का विवाद हुआ तो चीन के साथ कौन देश खड़ा था? सिर्फ दो, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा और दो देश हो तो उनके नाम ये बता दें। ठीक है, इसके बावजूद इनको नजर आता है कि हम कूटनीतिक दृष्टि से सफल नहीं थे और चाइना ने पूरा प्रयास किया 370 के बाद। सुप्रिया जी नहीं ला पाया एक भी लाइन का यूएन जनरल असेंबली में। सुप्रिया जी, हमारे हमको मेंबर बनने से नहीं रोक पाया। जी जी, सप्लायर ग्रुप में हमको लिवरेज मिला उसको नहीं रोक पाया। जी सुधांशु, चाहेगा तो जाके चेक कर सकते। सुधांशु, आपने अपने वक्तव्य को रखा, सुप्रिया जी की बारी है। सुप्रिया जी, हमारे साथ दो एक्सपर्ट है, सुशांत सरीन भी है और शंकर प्रसाद जी भी है। ने बोला कि उन्होंने कोटन ने बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन से कहीं झंडे गाड़ दिए थे, सबके सामने सब बातें हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की विडंबना यही है कि वो सही को देखना नहीं चाह रही? ऐसा क्यों नहीं? मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता है। 4 मिनट 8 सेकंड वो बात की है, आपने उसके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला है। सारे सवाल पहले मुझसे पूछ लीजिए कि मैं कुछ। आप अपनी बात को रखिए मैडम, आप अपनी बात, कौन 4 मिनट 8 सेकंड बोला? 4 मिनट 8 सेकंड शंकर प्रसाद बोले वो डिबेट के अंदर 30 मिनट के बाद आए थे। आप अपनी, शंकर प्रसाद ने बोला वो भी 3.5 मिनट 4 मिनट 8 सेकंड अभी इन्होंने सुधांशु जी ने, नहीं सुधांशु जी ने 4 मिनट 8 सेकंड नहीं बोली, तो मैं बोलिए आप अपनी बात। अरे क्या बात करी, उससे पहले मैं 20 मिनट शांत था। लॉग्स देखिएगा, पहले भी बोला लॉग्स देखा करिए। खैर अब मैं आपको बताती हूं, यूएनजे की बात कर रहे थे कि हमने फलाना किया। भारत की अध्यक्षता में अगस्त में भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करी जो रोटेटिंग होती है, उस अध्यक्षता में दो वक्तव्य आए तालिबान पर। 16 अगस्त को एक वक्तव्य आया तालिबान का नाम लेके, हमने कहा कि अपने सॉइल से एंटी टेरर एक्टिविटीज वो नहीं कर सकते हैं। 27 अगस्त के वक्तव्य में चीन की आपत्ति से हमने तालिबान का नाम क्यों ड्रॉप किया, ये मेरा पहला सवाल है और ये मैं पहला, मुझे ऐसा लगता है ये गलत है। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं, यहां पर कहा गया एजेंडा में नहीं था। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा क्या एजेंडा है? आज तो क्वाड का भी एजेंडा सिर्फ क्लाइमेट चेंज और वैक्सीन सप्लाई चेन है, लेकिन हम फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर ही रहे हैं ना, अमेरिका में बायलैटरल मीटिंग्स में कर रहे हैं, जबकि क्वाड का एजेंडा सिक्योरिटी नहीं है, क्वाड का एजेंडा वैक्सीन सप्लाई और क्लाइमेट चेंज है। तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा क्या एजेंडा था? 7 जुलाई और 31 अगस्त के बीच में 2 महीने बीत गए, लेकिन एक मीटिंग होकर हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के नेक्सस की बात करना जरूरी नहीं समझा, जबकि चेताया गया था। अगली बात मैं ये जरूर कहना चाहती हूं, जब चीन हमारे घर में घुसपैठ किया तो आपको पता है हमने क्या किया? पहले तो हमने चीन का नाम ही नहीं लिया, हम बड़े टाइम तक चीन का नाम ही नहीं लेते रहे, हमें लगा शत्रु फलाना ताकत कहते रहे। उसके बाद हमने देश को बोला कि हम बदला लेंगे, बदला हमने क्या लिया? हमने ऐप बैन कर दी। अरे ऐप बैन करके चीन के साथ पूरी तरह से व्यापार करते रहे, चीन हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, इससे बुरा और क्या होगा? मैं फिर कहूंगी आज हमारे पास मौका है अमेरिका पे, चाइना पे क्लैरिटी नहीं लेता हूँ। शंकर प्रसाद साहब मैं आपको 45 सेकंड देता हूँ, चाइना पर आप क्लैरिटी दे ही दीजिए। चाइना क्या क्या चाइना के साथ क्या चाइना ने जो फिंगर 428 पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करी थी या भारत को पेट्रोलिंग से रोका था, क्या सिचुएशन है? एक सेकंड मैडम, देखिए शंकर प्रसाद 40 सेकंड जी 40 सेकंड। आपने देखा डोकलाम में क्या हुआ था? डोकलाम में किस तरह से चाइनीज पिटे थे हमसे और गए थे वापस,
वो किसके वजह से गए थे, वो लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से गए थे। अब आपने देखा ये लद्दाख की जिसकी बात की आपने, कैलाश रेंज की, पहली दफ़ा भारत सेना को इस तरह से छूट मिली कि आप अपनी टैक्टिकल तरीके से इनको चाइनीज़ को पिछाड़िए, चाइनीज़ को पिछाड़ दिया, चाइनीज़ की हालत ख़राब हो गई, जबकि कैलाश रेंज पे हमने पेट्रोलिंग करके अपनी चौकी जमा ली जी। तो उसके बाद क्या हुआ, घबरा गया चाइना कि ये तो हमारा जो मोल्डो कंटोनमेंट है उस पर तो ये हावी हो गए इंडियन, तो उसने सब फिंगर से विड्रॉ कर लिया। हाँ ये मैं मानता हूँ कि अभी बहुत चीज़ें चाइना के संग रह गई हैं, लेकिन हर दफ़ा ये बात होती है, अभी अब रिसेंटली हफ्ता भर पुरानी बात है कि बातचीत कोर कमांडर्स की दोबारा होगी दिपसांग के बारे में। मैं मानता हूँ दिपसांग इज़ ए सीरियस मैटर, लेकिन अगर आपने पेट्रोलिंग के बारे में बात की है, आपने कैलाश रेंज के बारे में बात किया, जी 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 सुप्रिया सुप्रिया लेट सुप्रिया कम इन ओके सुप्रिया 30 सेकंड सुप्रिया जी नॉट सक्सेस, वो सक्सेस नहीं थे तो क्या था सुप्रिया, 25 से 30 सेकंड मेरे पर टाइम लिमिट है, क्विक क्विक टेक देन सुधांशु जी। मुझे ऐसा लगता है आज हमारे पास बड़ा मौका है और मैं आशा करती हूँ कि मोदी जी हिम्मत जुटाकर पूरी मुस्तैदी से भारत के सामरिक हितों की बात करेंगे और अमेरिका से पूछेंगे कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर हमें दरकिनार करके बाहर क्यों रखा गया, हमें टेबल पर डिसीजन मेकिंग में क्यों नहीं बुलाया गया, सुधांशु त्रिवेदी सुधांशु त्रिवेदी जवाब सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड जवाब पर ऑकस बना दिया गया, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड जवाब सुधांशु जी, इसके बारे में कौन बात करेगा सुधांशु जी 30 सेकंड जवाब। सिर्फ एक फैक्ट रख देता हूं क्योंकि समय कम है, चाइनीज थिंक टैंक है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज, उसके वाइस चीफ ने 2018 में बोला, उसके उपाध्यक्ष ने, कि मोदी जी की सरकार में आने के बाद कूटनीतिक दृष्टि से भारत बहुत मजबूत हो गया है, चाइना को इसका ध्यान रखना होगा, बस इतना आप समझ लीजिए। और दूसरे ने लिखा 2020 में कि टियानामेन स्क्वायर के बाद के सबसे बुरे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के दौर में चाइना है, चाइना वाले तो ये लिख रहे हैं, मगर चाइना से करार वालों का आंखों का तरार कुछ और ही देखने को तैयार है जी। तब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अमीश जी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को देने के लिए। मैं एक अंतराल ले रहा हूं, खबरें जारी हैं, बड़ी मुलाकात मोदी और बाइडेन की अब से कुछ देर बाद होने वाली है।